ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजलो करम जारी रखे। मैं खाना विद रुखसाना के साथ अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी लेके आई हूँ, KFC स्टाइल में चिकन। इसमें ज़रूरी नहीं है हमारे पास लेग पीस ही हों, जो भी आपके पास चिकन अवेलेबल है आप बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं व्यूअर्स, ये आधा किलो हमारा चिकन है और इसको मैंने ये देखे कट लगा लिए हैं ऐसे करके, काफ़ी बड़ा था। अब ये जो है कुटी हुई सुरख मिर्च है चम्मच का चौथा हिस्सा, इसी तरह पिसी हुई सुरख मिर्च चम्मच का चौथा हिस्सा है। ये एक चम्मच है हमारा सिरका, नज़र नहीं आ रहा वाइडनिंग की वजह से। एक चम्मच ये हमारा सोया सॉस है और आधा चम्मच जो है हमारा नमक है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं डालना। अब ये सारी चीज़ें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसके अंदर डाल देनी है। आप मिर्च का अगर इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हो आप ज़्यादा कर लो। बड़ा ही जूसी किस्म का इंशाल्लाह KFC स्टाइल में हमारा चिकन बनेगा और हमारे घर में ही ये रेडी हो जाएगा। अब इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रखना है, इसको मैरिनेट करके। अगर हम ओवरनाइट रखेंगे तो सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपको 5-7 घंटों के बाद, 8 घंटों के बाद मैं बताऊंगी कि इसको फ्राई कैसे करना है। ये मैं अभी आपको इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके दिखाती हूँ। जी देखें व्यूअर्स, हमारा माशाल्लाह ये मैरिनेट हो गया है। अब इसको हमने पूरी रात के लिए रखने लेना है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसको कम अज़ कम 2 से 3 घंटे रख लें और फिर आपको बताएंगे किस तरह कोटिंग करके किस तरह हमने फ्राई करना है। देखिए व्यूअर्स, ये ओवरनाइट जो चिकन मैंने कल रखा था, आपको बताया था कि KFC स्टाइल में जो हम चिकन क्रिस्पी बना रहे हैं, ये देखें अभी अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। अब इसके फ्राई का सिलसिला आ गया है। ये वाला चम्मच जो है चौथा हिस्सा काली मिर्च, चौथा हिस्सा नमक, चौथा हिस्सा सफ़ेद मिर्च और ये वाला कप मैदे का, इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया इसलिए प्लेट में पड़ा है। और ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो बस ठंडा हो। तो अब इसकी क्या करना है चलें जी। अब अगर ये सारी चीज़ें अगर आप मैदे में नहीं शामिल करना चाहते, आपकी मर्ज़ी है, सादा मैदा भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि हमारा माशाल्लाह स्पाइस आ जाएगा चिकन में और ऊपर से वो कहते हैं ना फीका सा नहीं रहेगा। चलें जी माशाल्लाह, इसको हम सारे को हिला लेते हैं। हमारा सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन को लेना है और इसके अंदर अच्छी तरह इसको हमने कर लेना है 5 से 7 बल्कि उससे भी ज़्यादा ऐसे कर लेना है आपने, इसको करते रहना है ताकि इसमें हमारे क्रिस्प बने, क्रम्स बन जाएंगे ना इंशाल्लाह ताला। इसका सही तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे 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 करते जाओ। बड़ा बर्तन ले लीजिएगा मैदे के लिए, अगर आपका ज़्यादा चिकन है आपने इसको ऐसे ऐसे करते जाना है। तो ये मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब ये हमारा ऐसे हो गया, इसको अच्छी तरह हमने झाड़ लेना है। अब इसको हमने पानी के अंदर अच्छी तरह डिप करना है। अब ये प्रोसेस अच्छी तरह देख लें, पहले भी मैंने विंग्स बनाए थे तो अब ये देखें, अब इसको हमने अच्छी तरह पानी से, ये देखें इसको अच्छी तरह कर लिया है, इसको पानी से निकाल लिया है। अब हमने इसको दोबारा करना शुरू कर देना है, ये हथेली से करें ऐसे। इसके हमने क्या बनानी है, क्रम्स। तो ये इंशाल्लाह KFC तो क्या है, ये आप जब खाएंगे तो देखना आप इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें ऐसे ही हमने हर पीस को अच्छी तरह कर लेना है, जल्दी नहीं करनी, इसको आप करते जाओ। क्रम्स दिखाने लगी हूँ, ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छी तरह देख लें कितने अच्छे बन गए हैं। ये देखें ऐसे ही करके हमने सारे जो है ना रख लेने हैं पीस। देखिए व्यूअर्स, हमारे कितने अच्छे हमारे चिकन रेडी हो गए हैं इसमें मैदे में, और ये देखें कितने अच्छे इसके क्रम्स बन गए हैं। तो ऑयल हमारा गर्म है तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डीप कढ़ाई ले लेनी है आपने ताकि ये अच्छी तरह उसके अंदर चले जाए, डिप हो जाए। बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे। इसके ऊपर लिड नहीं लगाना आपने माशाल्लाह। अब हम इनको पलट के आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने अच्छे इसके हमारे क्रम्स बने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपीज़ अगर अच्छी लगें आपको, मेरी खाने के साथ जो लगाव है और मेहनत है नज़र आए, तो मेरी रेसिपीज़ को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया
वो सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि मुझे पता चले आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, और वीडियोस को प्लीज़ प्लीज़ कंप्लीट देखें। कितने अच्छे क्रम्स बन रहे हैं। इसी तरह हमने सारे चिकन को फ्राई कर लेना है, और ये KFC स्टाइल से भी ज़्यादा बेटर बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और जूसी बनेगा। हमारे ये रेडी हो गए हैं चिकन, तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखें व्यूअर्स, हमने निकाल लिया चिकन जो पहले वाला, ये भी निकाल लेती हूँ। ये पक गए हैं, फ्राई हो गए। ये बड़े वाले को मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया, और ये भी तकरीबन माशाल्लाह बड़ा पीस था तो इसने टाइम बदल लिया। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक की नेमतों का हमने हर वक्त शुक्र अदा करना है, जो हमें रोज़ रोज़ गुनाहगारों को खाने दे रहा है, हम जैसे खताकारों को दे रहा है, शुक्र अदा करते जाएँगे तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारे क्रिस्पी जो हैं पीस कितने अच्छे रेडी हो गए हैं, KFC स्टाइल में हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी भी हैं, जूसी भी हैं। खाएं, दुआओं में याद रखें। तो इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के झटपट तैयार हो जाएंगे। तो इजाज़त लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के तक ज़िंदगी रही, इस्लाम की रही, तो दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका, या हमका वमारिका।